गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी कुमारी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड के अंदर फ्लाइट एडेप्टेशन का चैप्टर ले रही थी। फ्लाइट एडेप्टेशन के पहले लेक्चर में हमने एव्स के फ्लाइट एडेप्टेशन का पार्ट फर्स्ट देखा था। आज के लेक्चर में हम सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे, जिसके अंदर एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो सबसे ज्यादा एंडोस्केलेटन के अंदर होते हैं। एंडोस्केलेटन में, एंडोस्केलेटन का ये डायग्राम बनाया हुआ है बर्ड का, इसके अंदर चेंजेस होते हैं हेड के अंदर, इसमें चेंजेस होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, रिब्स के अंदर और स्टर्नम के अंदर। हमें फोरलिंब का पता ही है कि फोरलिंब जो होता है वो इनके फेदर्स में या उड़ने के विंग्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके अंदर देखें तो बर्ड्स में जो बोन्स हैं, सबसे ज्यादा इसके अंदर जो बोन्स हैं वो न्यूमेटिक होती हैं, मींस जो कि इसके अंदर एयर सैक पाया जाता है। इनको हम कहते हैं हॉलो, हॉलो बोन्स इसके अंदर पाई जाती है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। इसके अंदर जो स्कल बोन होती है बहुत ही लाइट हो जाती है, फ्यूज होती है एक दूसरे से। इनके अंदर जो थोरेसिक रिब्स होती हैं ये बहुत ही कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट लिए हो जाती हैं, कॉम्पैक्ट हो जाती हैं। इसके अंदर फेल्क्रम एक पाया जाता है जो कि विंग्स के साथ अटैच्ड होता है, इन विंग्स के साथ ये अटैच हो जाता है। इसके अंदर ये जो कॉडल कॉडल होता है या कॉडल रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं पाइगोस्टाइल। ये जो पाइगोस्टाइल है वो इसको स्टेबल बनाता है एयर के अंदर। इसके अंदर ये जो पीठ का भाग होता है, इसके अंदर ये पेल्विक रीजन रीजन में फ्यूज होते सिंसैक्रम का भाग बनाता है, जो कि वेरियस वर्टिब्री जो होती है वो फ्यूज होकर बनाती है सिंसैक्रम। ये जो ये सिंसैक्रम अटैच होता है सीधा लेग्स के अंदर। इसके अंदर जो स्टर्नम है, दिस इज द स्टर्नम, जिसको हम कील कहते हैं इन फ्लाइंग बर्ड्स, ये भी एक्सपेंडेड होती है और मिड वेंट्रल रिजेस का फॉर्मेशन करती है। तो दीज आर द एनाटॉमिकल एडेप्टेशन इन द एंडोस्केलेटन। इसके बाद आते हैं इसके अंदर स्कल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कॉम्पैक्ट इसके अंदर हो जाते हैं, इसके अंदर स्कल बहुत ही कंपोज होती है और थिन हॉलो बोन से बनी होती है, बहुत ही लाइट वेट होती है। और इसके अंदर जॉज जो होते हैं, जो हैवी जॉज अदर वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, इनके अंदर नहीं पाए जाते। इसका मतलब डेंचर या जॉज जो हैं वो भी इसके अंदर एबसेंट होते हैं। द जॉब ऑफ द च्यूइंग हैज लार्जली रिप्लेस बाय द गिजार्ड, इसके अंदर गिजार्ड पाया जाता है जो कि इसको उनके फूड को चबाने का काम करता है। द स्कल यूजुअली रिप्रेजेंट लेस देन 1% ऑफ बर्ड टोटल बॉडी वेट, इसके अंदर बहुत ही इसमें अगर इसका इसका जो स्कल का स्ट्रक्चर है वो डिटेल में हम इसके एंडोस्केलेटन ऑफ बर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट अडेप्टेशन, जो कि फ्लाइट मसल्स के अंदर होता है, जिन्हें हम फ्लाइट मसल्स कहते हैं। मसल्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको अगर हम देखें तो इसके अंदर जो फ्लाइट मसल्स हैं दे आर जनरेट थ्रस्ट एंड विग्रस मूवमेंट ऑफ द विंग ड्यूरिंग फ्लाइट, इसलिए इनके अंदर ये स्ट्रॉन्ग मसल्स पाई जाती हैं उड़ने में, या फोर लिम के अंदर जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। फ्लाइट मसल्स ऑन द ब्रेस्ट आर ग्रेटली डेवलप, अच्छी तरह से डेवलप होती हैं, और पेक्टोरल मेजर लोवर्स द विंग्स एंड पेक्टोरली माइनर एलिवेट्स द विंग, दीज टू आर द मसल्स ऑफ द बर्ड। इसके बाद हम आते हैं दिस इज द डायग्राम शोइंग द डिफरेंट मसल्स जिसके अंदर ये रेज विंग्स इसके अंदर पाई जाती है, जिसे पेक्टोरलिसिस पुल विंग्स डाउन, ये कील वाला पार्ट है, ये कील है। इसके अंदर ये जो मसल्स है बाइसेप्स और ह्यूमरस के अंदर पाई जाती है, लिगामेंट्स, और दीज आर द वेरियस मसल्स जो कि इनको उड़ाने के लिए हेल्प करती हैं। तो इनके अंदर से जो मेजर दो मसल्स होती है वो पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। नेक्स्ट हम आते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। इनके अंदर अभी हमने इसमें एनाटॉमिकल अडेप्टेशन पढ़े, अब हम आते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इन
इनके अंदर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से अडेप्ट होता है फ्लाइट के लिए। इनके अंदर अगर देखें तो रैपिड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज्यादा होती है। ये एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। बर्ड हैव द फोर चैम्बर्ड हार्ट दैट परफॉर्म डबल सर्कुलेशन, जैसे कि अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑल्सो द ब्लड कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स विच हेल्प इन द क्विक एरिएशन ऑफ द बॉडी टिश्यू। दिस इज द सेम एज द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट। इसके बाद आते हैं दीज आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो कि हेल्प करते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ द बर्ड रिमेन हाई एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द एनवायरमेंट, सो दे आर कॉल्ड द वार्म ब्लडेड एनिमल। परफेक्ट एरिएशन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द एनर्जी फॉर द लॉन्गर टाइम। तो इसके अंदर एरिएशन से मैक्सिमम एनर्जी जो है वो प्रोवाइड होती है। This facilitate the bird to fly at very high altitude. ये high altitude में उड़ने में help करती है। High and constant body temperature enables the bird to take flight at the high altitude and also facilitate activeness in every season. किसी भी season में वो active बने रहते हैं। The next physiological change in excretory system. Excretory system की बात करें तो नाइट्रोजनस वेस्ट ये प्रोड्यूस करते हैं जो कि किस फॉर्म में होते हैं, यूरिक एसिड्स एंड यूरेट्स के फॉर्म में होते हैं। और ये जो है लेस टॉक्सिक होते हैं, दे हैव नो यूरिनरी ब्लैडर। इनकी करेक्टरिस्टिक होती है कि इनके अंदर बर्ड्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होता है। यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स एफिशिएंटली एब्जॉर्ब वाटर, तो जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही करते हैं। इसके बाद आते हैं चेंजेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्पैक्ट होता है एंड इफेक्टिव होता है। जैसे कि सारे जो सिस्टम्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ऐसे ही इसका जो डाइजेस्ट सिस्टम है वह भी रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। बर्ड हैव वेरी हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, देयरफॉर फूड डाइजेस्ट रैपिडली। चिड़िया की तरह चुगना इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा होती है, इसीलिए ये ज्यादा पल पल खाते हैं। द रेक्टम बिकम मच रिड्यूस इन लेंथ एंड नेवर स्टोर द अनडाइजेस्टिव फूड। ये अनडाइजेस्ट फूड को स्टोर नहीं करता। द इल डेवलपमेंट ऑफ द रेक्टम ऑफ द फ्लाइंग बर्ड्स इंडिकेट्स ओवर द फैक्ट दैट द फ्लाइंग एनिमल कैन नॉट अफोर्ड टू बियर द वेट ऑफ द फेसेस। इसके अंदर ये अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर नहीं करता, इसी क्यों? क्योंकि ये अपने उस वेस्ट का वेट जो है वो नहीं लेना चाहता उड़ान के दौरान। दे हैव नो गॉल ब्लैडर विच रिड्यूस द वेट ऑफ द बर्ड। तो जिस भी तरीके से इनका वेट कम हो सके, इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम इसका बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है। इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उनके अंदर सैक पाए जाते हैं, एयर सैक पाए जाते हैं इनके लंग्स के अंदर। दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बर्ड। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बर्ड इज डिजाइन इन सच ए मैनर दैट द फूड इज ऑक्सीडाइज रैपिडली एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड टू फ्लाइंग। मेटाबोलिज्म रेट इज हायर एज ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। For this, the lungs are provided with a unique system of air sacs which occupy the entire space between the internal organ. ये जो डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, these are the air sac of the lungs. बर्ड्स के अंदर ब्रेन और सेंस ऑर्गन भी बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। उनके अंदर जो चेंजेस होते हैं अडेप्टेशन के लिए वो होते हैं सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। सेरिबेलम जो कि एक बैलेंसिंग का काम करता है वो वेल डेवलप होता है। उनके सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत ही डेवलप होते हैं जो कि मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं।
सेरिब्रम इज मच डेवलप्ड एंड कॉन्वोल्यूटेड कंट्रोलिंग द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड मसल कोऑर्डिनेशन। सेरिब्रम क्या की बात करें तो इज ऑल्सो लार्ज एंड रिलेटिवली स्मूथ कंट्रोलिंग वॉलंटरी मसल्स बिहेवियर इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। बर्ड्स हैव द डिपेंड मोस्टली ऑन द सेंस ऑफ साइट, उनको देखने के ऊपर उनका जो बर्ड्स हैं डिपेंड करते हैं। सो द आईज आर लार्ज एंड ऑप्टिक लोब्स आर वेल डेवलप्ड ड्यू टू द एक्यूट विजन। इनके अंदर बर्ड्स के अंदर के स्कल भाग को अगर देखते हैं तो उनके अंदर जो ऑप्टिक लोब का जो भाग है वो बहुत बड़ा होता है, तो इनके अंदर आईज जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। सेंस ऑफ स्मेल इज पुअरली डेवलप्ड corresponding the ill development of the olfactory lobe. इसके अंदर olfactory lobes जो हैं वो ill developed होते हैं। Bird के अंदर reproductive system में flight adaptation की बात करें तो इनके अंदर जो ovary and testes जो हैं वो रिड्यूस होती हैं except in the breeding season. ब्रीडिंग सीजन के अलावा इनके अंदर ovary और testes रिड्यूस फॉर्म में पाई जाती है। यूजुअली ओनली वन फंक्शनल ovary इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द बर्ड एंड सेकेंड ovary इज जनरली रिड्यूस टू डिक्रीज द वेट ऑफ द बॉडी। इनके अंदर फीमेल के अंदर जो लीवर है इज डिस्प्लेस टू द राइट टू कंपनसेट द वेट डिफरेंस। बट इन केस ऑफ द बर्ड्स ऑफ प्रे मीन्स होता है शिकारी पक्षी, उनके अंदर जनरली बोथ ओवरीज एंड ओविडक्ट आर प्रेजेंट बिकॉज ड्यूरिंग हंटिंग दीज बर्ड्स हैव टू पाउंस ऑन द प्रे विद अ ग्रेट फोर्स एंड स्ट्रगलिंग प्रे कैन किक एंड ब्रेक द एग्स इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द एग्स डेवलपिंग इन टू ओवरीज कैन कंपनसेट फॉर दिस लॉस। इसके बाद इन द एंड अगर हम इनके कंक्लूजन की बात करें अडेप्टेशन इन बर्ड्स के अंदर, जो भी हमने एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पढ़े हैं उनको अगर हमें शॉर्ट नोट में लिखना हो तो हम एक पैराग्राफ में इस तरह से लिख सकते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ द फ्लाइट हैज प्रोवाइड बर्ड विद मैनी फिजिकल फीचर इन एडिशन टू विंग एंड फेदर्स। वन वे टू रिड्यूस वेट इन द बर्ड इज टू बाय द फ्यूजन एंड एनिमुलेशन ऑफ सम unnecessary bone and the prenumeration of remaining ones. Not only are some bones of the bird hollow, but many of the larger ones are connected to the air sacs of the respiratory system. To keep the cylindrical wall of the bird, major wing bones form sudden changes. The bones have internal compensate fiber. Fusion of bones in the birds make the skeleton light as well as strong. Coracoid, furcula, scapula form a strong and well-built tripod for supporting the wings and broad structure for the attachment of the large flight muscles. One key adaptation is the fusion of the caudal bone into single pygostyle, which support the tail feathers. Birds also lack teeth or even a true jaw. Instead having evolved a beak, इसके अंदर beak present होती है, which is more lightweight. Birds have uncinate process on the rib. These are hooked expansion of the bone which help to strengthen the rib cage by overlapping with the ribs behind them. There is practically every organ and system has been modified in relation to flight. This is the summary of the adaptation in birds. Thank you बच्चों। अब हम next lecture के अंदर जो हमारा topic होगा वो होगा migration in the bird. Thank you।